दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु की याचिका पर सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने मंगलवार को सुनवाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, सीधा सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं, आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां क्यों आए, ये अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं। इधर सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। इससे पहले शराब नीति मामले में रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। सीबीआई ने दिल्ली की अदालत को बताया था कि सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वे हर सवाल का गोलमोल जवाब दे रहे हैं, इसीलिए उनकी 5 दिन की रिमांड चाहिए। सिसोदिया के वकील ने भी इसका विरोध जताया। उनका तर्क था कि एक डिप्टी सीएम को रिमांड पर भेजने से गलत मैसेज जाएगा। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को मानते हुए सिसोदिया को 4 मार्च तक रिमांड दे दी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लिकर पॉलिसी घोटाले में सीबीआई की गिरफ्त में है। सिसोदिया की दिल्ली सरकार में तो नंबर 2 है, आम आदमी पार्टी में भी अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़े नेता है। घोटाले में आरोपी बनाए जाने पर अब उनकी गिरफ्तारी से पार्टी, दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल खुद मुश्किल में है, क्योंकि सिसोदिया का कोई विकल्प उनके पास नहीं है।